रोडपारी गांव में आज एक मकान को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई सिडको की थी, जिसमें 2 दर्जन से अत्यधिक कर्मचारी मौजूद थे। हालांकि एन मानसून के अवसर पर सिडको ने तोड़ो कार्रवाई को अंजाम दिया। जब इस मकान में रहने वालों का कहना था कि हम 1991 से इस जगह पर रह रहे हैं, घर न तोड़ने के लिए ग्रामीणों ने सिडको अधिकारी से मिन्नतें की। साथ ही सिडको अधिकारी को वह दस्तावेज भी दिखाए कि स्टे ऑर्डर के लिए न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया गया है, लेकिन सिडको अधिकारी पर ग्रामीणों की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सिडको अधिकारी ने आखिरकार मकान ध्वस्त कर दिया। हमारे प्रतिनिधि ने पीड़ित व्यक्ति से इस विषय पर बात की। एक्चुअली जी, ये बताया कि इस मकान में आप कितने सालों से रहते थे? 91 से। 91 से आप यहाँ पर थे? हाँ। आप ये बताएं कि सिडको ने किसी तरह का आपको नोटिस दिया था कि आप? नोटिस तो आप ही तो आया बस। अच्छा, आपने पिटीशन दाखिल किया? दाखिल, लेकिन इससे नहीं मिला आपको? कितने दिन पहले? आपकी वजह से नहीं मिला, छुट्टी था ना वो लोग को। अच्छा, छुट्टियों की वजह से आपको स्टे नहीं मिला? मिला। तो आपने उसके बाद कोई पत्र व्यवहार सिडको से किया? हाँ, किया है ना। इसका ये सब कागज है, ये सब किसका ही है, हाईकोर्ट का है सब। अभी कहीं आपके रहने का कोई बंदोबस्त अभी टूट जाने का? डायरेक्ट पूरा काम किधर रहेंगे अभी? बारिश देखो, ये बारिश में किधर रहेंगे अभी? कौन देगा? खोली गाँव में खोली आएगा? सब सिडको में लोग है सब। तोड़क कार्रवाई के बाद यहाँ के नागरिकों का आक्रोश फूट पड़ा था, लेकिन तब तक सिडको अपने कार्य को अंजाम देकर जा चुकी थी। तोड़क कार्रवाई के अवसर पर काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, जिसकी वजह से रोडपाली के नागरिक बेबस हो गए और देखते देखते ही एक मकान को ध्वस्त कर दिया गया। कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।